फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो गोमती नगर एक्सप्रेस का लेकर आया हूँ, लखीमपुर से गोरखपुर वाया सीतापुर लखनऊ होते हुए। आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट है और ट्रेन भी चलने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स मैं आपको गोमती नगर प्रस्थान के 3 व्यू दिखाऊँगा, एक स्टेशन से थोड़ा आगे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर की दिशा में, और ठीक तीसरा जो व्यू होगा वो राजापुर रेलवे क्रॉसिंग से दिखाऊंगा जहाँ पे ट्रेन स्पीड से निकलते हुए। हालांकि राजापुर रेलवे क्रॉसिंग से ट्रेन ज़्यादा स्पीड में नहीं निकली लेकिन इसकी स्पीड ठीक थी, और पहली बार ये ट्रेन लखीमपुर से प्रस्थान करेगी गोरखपुर के लिए वाया सीतापुर लखनऊ होते हुए। और इसके जो जनरल क्लास के कोचेज हैं सामान्य कोचे, उसमें यात्री पूरी तरह से भरे हुए हैं, हालांकि एकदम ठसा ठस नहीं भरे हैं लेकिन काफ़ी पब्लिक है। आप मान के चलिए 200 से 300 यात्री इस ट्रेन में आसानी से बैठे हुए हैं जनरल कोचेज में। देखिए ट्रेन प्रस्थान करती हुई और निकलती हुई सीतापुर के लिए। देखिए फ्रेंड्स लखीमपुर गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस पहली बार प्रस्थान करते हुए लखीमपुर से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार कोई ट्रेन लखीमपुर से एक्सप्रेस बनकर किसी बड़े शहर के लिए दौड़ी है। जहाँ तक अगर मेरी जानकारी के अनुसार आज तक मैंने अभी तक कोई ट्रेन ऐसी नहीं देखी एक्सप्रेस ट्रेन जो किसी बड़े शहर के लिए रवाना की गई हो। हाँ इससे पहले जब मीटर गेज की ट्रेन चला करती थी, संचालित होती थी, तो पीलीभीत से लखीमपुर के मध्य एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी जो रात में 9 बजे पीलीभीत से चलती थी, 1:30 बजे लखीमपुर आती थी, और यही ट्रेन वापस लखीमपुर से 4 बजे चलकर 8:30 बजे पीलीभीत जंक्शन पहुंच जाती थी। एक ही ट्रेन रुक गई थोड़ी देर के लिए, थोड़ा से सेकंड के लिए। यहाँ की जनता के राय इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी अलग है। उनका कहना यह है कि अगर यही ट्रेन सुबह लखीमपुर से लखनऊ की तरफ रवाना होती और शाम को वापसी करती तो काफ़ी फायदेमंद रहता लखीमपुर वासियों के लिए, कि लखीमपुर की जनता यहाँ से सुबह लखनऊ अपने काम से जाती और दिन भर के जो काम होते वो निपटा के शाम तक इसी ट्रेन से वापस आ जाते। तो समय में थोड़ी सी गड़बड़ी और समय का प्रस्थान में भी गड़बड़ी और आने के समय में भी थोड़ी सी गड़बड़ी, दूसरी तरफ जो टाइम टेबल है दोनों ट्रेनों का उस। तो पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई लखीमपुर रेलवे स्टेशन से। तो चलिए अब थोड़ा यहाँ से 1/2 किलोमीटर आगे से व्यू दिखाते हैं आपको। मेरे ख्याल से लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर एक जो लाइट मैन होता है उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए स्टाफ में, साथ में रनिंग रूम भी होना चाहिए और वॉशिंग पिट लाइन भी होनी चाहिए जिससे यहाँ भी लंबी दूरी की ट्रेनें संचालित हो सके। क्योंकि जब तिकोनिया जैसे छोटे मीटर गेज रेलवे स्टेशन पर रनिंग रूम है और वहाँ पर साफ सफाई की कर्मचारी की भी व्यवस्था है तो लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं हो सकती। और खीरी टाउन हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर भी माल गोदाम की लोडिंग अनलोडिंग हेतु रैक बनाने चाहिए और बनाए भी जाने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ट्रेन आती हुई धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए।
यदि एक ट्रेन दोपहर में भी होती तो लखीमपुर की जनता साथ में उसके आस पड़ोस के रहने वाले निवासी जैसे फरदान, देवकली, ओयल, खीरी टाउन, उन सभी लोगों को यहाँ की ट्रेन का लाभ मिलता दिन में और अपने अपने जहाँ रिश्तेदार हैं वहाँ पे आ जा सकते आसानी से। जिस तरह से डॉक्टर मरीज को 3 खुराकें लिखता है जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, सुबह दोपहर शाम 3 खुराक, ठीक उसी तरह से जैसे लखीमपुर की जनता है यहाँ के निवासियों के लिए 2 ट्रेनों ठीक नहीं है, उन 2 ट्रेनों के अलावा तीसरी ट्रेन भी होती तो ठीक उसी तरह से 3 ट्रेनें लखीमपुर की जनता के लिए थोड़ा सा आसान होता और सुविधाजनक भी होता लोगों के लिए और यात्रा कर सकते दिन की और दिन में ही आ जा सकते, कहीं भी आना जाना होता तो। खैर कोई नहीं, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, कम से कम ट्रेन चल गई यही बहुत बड़ी बात है और अच्छा लग रहा है जब एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार किसी बड़े शहर की ओर रवाना होती लखीमपुर की तरफ से। और अभी धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ेगी, राजापुर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से आपको थोड़ा सा भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, गोमती नगर एक्सप्रेस काफ़ी तेज रफ्तार से आती हुई और 19 कोचेज हैं इस पूरी ट्रेन में। सुबह भी मैंने आपको इसके आगमन का वीडियो दिखाया था और अब इस समय ये प्रस्थान का वीडियो देख सकते हैं। रफ्तार ठीक है इसकी, 40 मिनट में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।